लीजिए मेरे प्रोडक्शन है इस फॉर्मेट में, ए एरो α1/α2/α3, और मान लीजिए मेरी कंडीशन ये है, लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ α1, लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ α2, लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ α3। अगर ये मान लीजिए मेरी कंडीशन है और इस प्रोडक्शन को मैं मान लीजिए चेक कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ पर वेरिएबल ए के लिए रो लूँगा, वेरिएबल ए के लिए आपकी रो सेलेक्ट हो जाएगी, एंड कॉलम्स मैं यहाँ पर लूँगा फर्स्ट से, ठीक है ना। कॉलम्स मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा फर्स्ट से, तो मैं यहाँ पर क्या कैलकुलेट करूँगा, मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ α1 कैलकुलेट करूँगा, फर्स्ट ऑफ α2 कैलकुलेट करूँगा, फर्स्ट ऑफ α3 कैलकुलेट करूँगा, ठीक है ना। और फिर इसमें चेक करूँगा कि अगर कि आपका कहीं कोई सिंबल आपका ओवरलैप तो नहीं कर गया है। अगर कोई भी सिंबल ओवरलैप कर गया है तो फिर वहाँ पर आपका वो मल्टीपल एंट्रीज दे देगा, क्योंकि देखिए ये आपका सेम वेरिएबल पर मोर देन वन प्रोडक्शन है, यहाँ पर सेम वेरिएबल पर मोर देन वन प्रोडक्शन है। इस सेम वेरिएबल ए पर एक प्रोडक्शन ये है, इस सेम वेरिएबल ए पर नेक्स्ट प्रोडक्शन आपका ये है, सेम वेरिएबल ए पर नेक्स्ट प्रोडक्शन आपका ये है। तो अगर सेम वेरिएबल पर आपके पास मोर देन वन प्रोडक्शंस हैं, तो वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि एक सेल में मोर देन वन एंट्रीज आए। अगर मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल पर एक ही प्रोडक्शन है, जैसे कि मान लीजिए आपने एक वेरिएबल ए लिया हुआ है, इस पर केवल एक ही प्रोडक्शन है, तो वहाँ पर आपका मल्टीपल एंट्रीज आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि आप रो सेलेक्ट कर लेंगे इस वेरिएबल ए से और फर्स्ट ऑफ एल्फा कैलकुलेट करके आप कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर फर्स्ट ऑफ एल्फा में लेमडा है तो फिर इसमें आप फॉलो ऑफ ए वाले टर्मिनल्स को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो कुल मिला के ए एरो एल्फा वन की एंट्रीज यहाँ पर होने जा रही हैं, तो कोई दूसरा प्रोडक्शन होगा ही नहीं, तो उसकी मल्टीपल एंट्रीज यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर सेम वेरिएबल पर आपको मोर देन वन प्रोडक्शंस हैं, तो फिर वहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज आपकी आ सकती हैं, अगर यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी। तो ओवरलैपिंग हम कैसे चेक करेंगे, ओवरलैपिंग हम इस तरीके से चेक करेंगे कि फर्स्ट ऑफ α1 इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ α2, फर्स्ट ऑफ α2 इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ α3, एंड फर्स्ट ऑफ α3 इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ α1। तो ये हम यहाँ पर चेक करेंगे कि कहीं कोई टर्मिनल की यहाँ पर ओवरलैपिंग तो नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए ये आपका फाई है, ये भी आपका फाई है, ये भी आपका फाई है, इसका मतलब ऐसा कोई टर्मिनल नहीं है जिसकी आपका यहाँ पर ओवरलैपिंग हो, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका इस रो में आपको मल्टीपल एंट्रीज नहीं मिलने वाली। अगर ये सभी आपके फाई हैं तो फिर आपको यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज नहीं मिलेंगी। लेकिन मान लीजिए कि अगर मान लीजिए ये आपका फाई नहीं है, कोई टर्मिनल आपका कॉमन है, तो फिर वहाँ पर आपको मल्टीपल एंट्रीज मिल जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो मेरे टर्मिनल्स हैं वो टर्मिनल्स हैं ए बी सी डी ई एफ एंड डॉलर, मान लीजिए ये मेरे टर्मिनल्स हैं। और मान लीजिए मैंने फर्स्ट ऑफ α1 कैलकुलेट किया, और फर्स्ट ऑफ α1 जो है वो मेरा है मान लीजिए ए बी, और फर्स्ट ऑफ α2 है मेरा मान लीजिए सी डी, और फर्स्ट ऑफ α3 है मान लीजिए मेरा ई एफ। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको कोई भी टर्मिनल कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर कोई भी टर्मिनल कॉमन नहीं मिल रहा है। ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो तीनों आपने लिए, ये जो तीनों सेट जो होंगे ये डिसजॉइंट हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी टर्मिनल आपका नहीं मिल रहा है, क्योंकि किसी भी टर्मिनल के लिए यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर फाइव मिलेगा, ये भी आपको फाइव मिलेगा, और ये भी आपको फाइव मिलेगा, तो इस रो में आपको मल्टीपल एंट्रीज नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये ए रो α1 वाला प्रोडक्शन यहाँ आ जाएगा, क्योंकि एंट्रीज क्या है आपका ए और बी, ए एरो अल्फा वन वाला प्रोडक्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा, और सी और डी के लिए आप लिखेंगे ए एरो अल्फा टू वाला प्रोडक्शन, तो इसमें आ जाएगा आपका ए एरो अल्फा टू, ए एरो अल्फा टू, और ई और एफ के लिए आपका आ जाएगा ए एरो अल्फा थ्री वाला प्रोडक्शन, तो यहाँ आ जाएगा ए एरो अल्फा थ्री, ए एरो अल्फा थ्री। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें आपका मल्टीपल एंट्रीज नहीं आएंगी, ठीक है ना। मल्टीपल एंट्रीज आपको यहाँ पर नहीं आएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ α1, लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ α2, लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ α3। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये आपका इस टाइप से होता, यहाँ पर ए भी आपको मिल जाता, आपने फर्स्ट ऑफ α2 कैलकुलेट किया और उसमें मान लीजिए आपको मिल रहा है ए सी डी,
तो आप क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पर, अल्फा वन अल्फा टू का जब आप ओवरलैपिंग के लिए चेक करेंगे तो ये आपका फाई नहीं है, ये आपका फाई नहीं है, आपको टर्मिनल ए पर ओवरलैपिंग मिल गई है, टर्मिनल ए पर आपको ओवरलैपिंग मिल जाएगी, यानी टर्मिनल ए पर यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। अल्फा टू अल्फा थ्री को चेक कीजिए, ये आपका क्या है, अल्फा टू अल्फा थ्री ये आपका फाई है, अल्फा वन अल्फा थ्री को चेक कीजिए ये भी आपका फाइव है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मल्टीपल एंट्रीज मिल जाएगी फॉर दिस सिंबल ए, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिंबल ए के लिए आप ए एरो अल्फा वन वाली एंट्री करेंगे, ए एरो अल्फा वन वाली एंट्री करेंगे, और फिर इस सिंबल ए के लिए आप ए एरो अल्फा टू वाली भी एंट्री यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। तो ए एरो अल्फा वन की एंट्री आपकी होगी ए और बी में, ए एरो अल्फा टू की आपकी एंट्री होगी ए सी डी में, ए एरो अल्फा थ्री की आपकी एंट्री होगी ई और एफ में। तो इस ओवरलैपिंग जो हो रही है सिंबल ए पर, तो यहां पर आपको मल्टीपल एंट्रीज मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपको मल्टीपल एंट्रीज यहां पर मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो अगर मान लीजिए ये आपका एल एल वन है, अगर मान लीजिए ये आपका एल एल वन है, तो एल एल वन होने के लिए आपका ये भी फाई होना चाहिए, ये भी फाई होना चाहिए, और ये भी आपका फाई होना चाहिए। अब चूंकि जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अल्फा वन इंटरसेक्शन अल्फा टू आपका फाई नहीं है, इसलिए आपको कॉमन या ओवरलैपिंग सिंबल ए पर आपको मल्टीपल एंट्रीज यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर हम यहाँ पर इसको चेंज कर दें और इसको लेमडा कर दें, ये मान लीजिए आपका लेमडा होता, ये मान लीजिए आपका लेमडा होता, और मान लीजिए लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ अल्फा वन है, लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ अल्फा टू है, लेकिन जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लेमडा इसको बिलोंग करेगा, बिलोंग करेगा, तो फिर हमें यहाँ पर फॉलो ऑफ ए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास थ्री प्रोडक्शन है, ए एरो अल्फा वन, सेकेंड प्रोडक्शन है सेम वेरिएबल ए के लिए ए एरो अल्फा टू, थर्ड प्रोडक्शन है ए एरो लेमडा। तो इसकी एंट्री आप कहाँ पर करेंगे, इसकी एंट्री आप करेंगे, चूंकि देखिए लेमडा डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट ऑफ अल्फा वन है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसकी एंट्री हम करेंगे फर्स्ट ऑफ अल्फा वन में। इस प्रोडक्शन की एंट्री, चूंकि लेमडा डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट ऑफ अल्फा टू है, तो इस प्रोडक्शन की हम एंट्री करेंगे फर्स्ट ऑफ अल्फा टू में, और यहाँ पर आप इस प्रोडक्शन की एंट्री करेंगे फॉलो ऑफ ए में, फॉलो ऑफ ए में आप इसकी एंट्री करेंगे। तो ये एल एल वन होगा अगर ये सभी आपके डिसजॉइंट होंगे, जैसे कि मान लीजिए ये आपका होता ए कॉमा बी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए एरो अल्फा वन की एंट्री आप ए और बी में करेंगे, ए एरो अल्फा वन की एंट्री आप ए और बी में करेंगे, ठीक है ना। अगर फर्स्ट ऑफ अल्फा वन होता ए कॉमा बी, लेमडा डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट ऑफ अल्फा वन है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए एरो अल्फा वन की एंट्री आप करेंगे ए और बी में। और मान लीजिए कि फर्स्ट ऑफ अल्फा टू आपका होता सी कॉमा डी, तो हम ऐसा बोल सकते थे कि ए एरो अल्फा टू की एंट्री आप करते सी और डी में, और मान लीजिए कि फॉलो ऑफ ए जो है वो है आपका डॉलर कॉमा ई, तो डॉलर और ई में आप डॉलर और ई में आप एंट्री करते ए एरो लेमडा की, तो ए एरो लेमडा की एंट्री होती फिर आपका ई और डॉलर में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लीजिए आपको फाइव मिल रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए आपको फाइव मिल रहा है, इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लीजिए आपको फाइव मिल रहा है, इसका मतलब कोई भी टर्मिनल यहाँ पर ओवरलैप नहीं कर रहा है, ये सभी आपके डिसजॉइंट है, तो फिर उस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपको इस वेरिएबल ए या इस रो में मल्टीपल एंट्रीज नहीं मिलने वाली, ठीक है ना। तो ये ग्रामर फिर उस केस में एल एल वन हो जाती है, ठीक है ना। तो ये ग्रामर एल एल वन कब होगी, ग्रामर एल एल वन तब होगी जब फर्स्ट ऑफ एल्फा वन इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ एल्फा टू इज इक्वल टू फाइव हो, एंड फर्स्ट ऑफ एल्फा वन इंटरसेक्शन फॉलो ऑफ ए ये भी आपका फाइव हो, एंड फर्स्ट ऑफ अल्फा टू इंटरसेक्शन फॉलो ऑफ ए ये भी आपका फाई हो। जैसे कि इसी केस में देखिए, ये आपका फाई है, ये आपका फाई है, और ये आपका फाई है, तो आपको यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए अगर आपका फर्स्ट ऑफ अल्फा वन होता ए बी ई, ये होता आपका, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फिर उस केस में फर्स्ट ऑफ अल्फा वन और फॉलो ऑफ ए आपका ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ अल्फा वन और फॉलो ऑफ ए, फर्स्ट ऑफ अल्फा वन एंड फॉलो ऑफ ए आपके ओवरलैप कर जाते हैं, तो ये फाई नहीं आएगा, फिर इस केस में आपका ई आएगा, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ई पर आपको मल्टीपल एंट्रीज मिलेंगी। तो यहाँ पर ई पर आपको ए एरो अल्फा वन भी मिलता, ई पर आपको ए एरो अल्फा वन भी मिलता, सेल में आपको ए एरो लेमडा भी मिलता, ए एरो लेमडा भी मिलता।
तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपका मल्टीपल एंट्रीज आ चुकी है, एक सेल में मल्टीपल एंट्रीज आ चुकी है फॉर दिस कॉमन टर्मिनल सिंबल ई, तो ये आपका LL1 नहीं होगी। तो ये ग्रामर LL1 कब होगी, ये ग्रामर LL1 तब होगी जब ये सभी आपके डिसजॉइंट हो, ठीक है ना, यानी कोई भी आपका टर्मिनल यहाँ पर ओवरलैप ना करे, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं जब ये सभी आपके फाई होंगे तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये ग्रामर आपका LL1 होगी। अब चूंकि यहाँ पर ए एरो लेमडा है तो इसलिए हमें यहाँ पर इसकी एंट्री करेंगे हम फॉलो ऑफ ए में, तो फॉलो ऑफ ए में करेंगे तो फिर वहाँ पर आपको फॉलो ऑफ ए को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉमन केस लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास प्रोडक्शन है इस वेरिएबल ए के लिए α1 α2 α3, ये मान लीजिए मेरे पास एक प्रोडक्शन है, ठीक है ना, और ये मान लीजिए मेरे टर्मिनल्स हैं, और मान लीजिए लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ α1 है ना, और मान लीजिए कि फर्स्ट ऑफ α1 जो है वो मेरा है a, b, बट लेमडा बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ α2 है, और फर्स्ट ऑफ α2 मेरा है मान लीजिए c, d, लेमडा, ठीक है ना, तो लेमडा बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ α2, और मान लीजिए मेरा होता लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ α3, और मान लीजिए कि मेरा फर्स्ट ऑफ α3 है आपका एफ, फर्स्ट ऑफ α3 है मेरा एफ, तो ए एरो α1 की एंट्री में कहां पर करूंगा। अब लेमडा डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट ऑफ α1 है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए एरो α1 की एंट्री में यहां पर करूंगा, ए एरो α1 की एंट्री में यहां पर करूंगा, ए और बी में करूंगा, ठीक है ना। अब लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ α3 है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए एरो α3 की एंट्री में यहां पर करूंगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको देखिए, ये जो प्रोडक्शन है आपका ए एरो α2, इसकी एंट्री में कहाँ करूँगा, इसकी एंट्री में करूँगा फर्स्ट ऑफ α2 एक्सेप्ट लेमडा यूनियन फॉलो ऑफ ए, फर्स्ट ऑफ α2 एक्सेप्ट लेमडा यूनियन फॉलो ऑफ ए बिकॉज लेमडा बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ α2। तो इस प्रोडक्शन की मैं एंट्री करूँगा फर्स्ट ऑफ α2 एक्सेप्ट लेमडा यूनियन फॉलो ऑफ ए में, ठीक है ना। तो फिर जो मैं यहाँ पर ओवरलैपिंग के लिए चेक करूँगा वो ओवरलैपिंग के लिए यहाँ पर इस तरीके से चेक करूँगा, मान लीजिए कि मेरा फॉलो ऑफ जो ए है वो आपका यहाँ पर होता स्मॉल ए, फॉलो ऑफ ए मेरा स्मॉल ए होता, तो फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ACD। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि ये दोनों डिसजॉइंट आ रहे हैं, ये दोनों डिसजॉइंट आ रहे हैं, लेकिन यहां पर ये दोनों भी डिसजॉइंट हैं, ये दोनों डिसजॉइंट हैं, ये दोनों भी डिसजॉइंट हैं, लेकिन यहां पर ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग है फॉर सिंबल ए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए एरो α1 और ए एरो α2 दोनों होंगे इस सेल ए पर, यानी यहां पर क्या होगा, यहां पर ए एरो α1 भी होगा और ए एरो α2 भी होगा, ठीक है ना, ए एरो α1 भी होगा यहां पर और ए ए एरो α2 भी होगा सेम टर्मिनल सिंबल ए पर, क्योंकि यहां पर ओवरलैपिंग हो रही है, टर्मिनल सिंबल ए ओवरलैप कर गया है तो इस तो यहां पर आपको मल्टीपल एंट्रीज मिलेगी, तो फिर ये ग्रामर आपका LL1 नहीं होगी। तो ये ग्रामर LL1 कब होगी, ये LL1 तब होगी जब आपको मल्टीपल एंट्रीज नहीं मिले, इसका मतलब जो आप सेट बनाएंगे वो सभी सेट डिसजॉइंट हो, किन्हीं भी दो सेट को लेने पर आपको कोई भी कॉमन टर्मिनल ना मिले, तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जो ये ग्रामर है ये LL1 होगी। तो यहाँ पर ए एरो α1 की एंट्री आप करेंगे फर्स्ट ऑफ α1 में, ए एरो α3 की एंट्री आप करेंगे फर्स्ट ऑफ α3 में, और ए एरो α2 की एंट्री आप करेंगे फर्स्ट ऑफ α2 एक्सेप्ट लेमडा यूनियन फॉलो ऑफ ए में, यूनियन फॉलो ऑफ ए में, ठीक है ना। तो ए एरो α1 की एंट्री आप फर्स्ट ऑफ α1 में करेंगे, ए एरो α3 की एंट्री आप फर्स्ट ऑफ α3 में करेंगे। अब यहां पर लेमडा बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ α2 है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए एरो α2 की एंट्री आप फर्स्ट ऑफ α2 एक्सेप्ट लेमडा यूनियन फॉलो ऑफ ए में करेंगे। तो
तो यहाँ पर एंट्री की है हमने ए एरो एल्फा वन की, यहाँ पर एंट्री की है ए एरो एल्फा टू की, और यहाँ पर एंट्री की है ए एरो एल्फा थ्री की। तो अगर ये ग्रामर एल एल वन है तो हमें मल्टीपल एंट्रीज नहीं मिलेंगी। इसका मतलब ये जितने भी सेट जो आप देख रहे हैं ये डिसजॉइंट होंगे। किन्हीं भी दो सेट को लेने पर आपको कोई भी टर्मिनल कॉमन नहीं मिलेगा, किसी भी टर्मिनल पर आपको यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं मिलेगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ एल्फा वन इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ एल्फा थ्री इज इक्वल टू फाइव, फर्स्ट ऑफ एल्फा वन इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ एल्फा टू माइनस लेमडा यूनियन फॉलो ऑफ ए इज इक्वल टू फाइव। एंड हम ऐसा बोल सकते हैं फर्स्ट ऑफ एल्फा टू माइनस लेमडा यूनियन फॉलो ऑफ ए इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ एल्फा थ्री शुड बी फाइव। तो अगर ये तीनों आपके फाइव हैं तो हम यहां पर ऐसा क्लेम कर सकते हैं कि ये ग्रामर एल एल वन होगी। एक केस और डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ एल्फा वन है, लेमडा बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ एल्फा टू है, एंड लेट्स से लेमडा बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ एल्फा थ्री होता, तब हम यहाँ पर क्या करते हैं। तो हम देखिए यहाँ पर ए एरो एल्फा वन वाले प्रोडक्शंस की एंट्री करते इन फर्स्ट ऑफ एल्फा वन टर्मिनल्स में, फर्स्ट ऑफ एल्फा वन वाले जो टर्मिनल्स हैं वहाँ पर हम इस प्रोडक्शन की एंट्री करते, ए एरो एल्फा टू प्रोडक्शंस की एंट्री करते, बिकॉज लेमडा बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ एल्फा टू है तो हमें यहाँ पर फॉलो भी लेना पड़ेगा। तो ए एरो एल्फा टू वाले प्रोडक्शंस की एंट्री करते हम फर्स्ट ऑफ एल्फा टू एक्सेप्ट लेमडा यूनियन फॉलो ऑफ ए वाले सेट में, ठीक है ना। तो इन टर्मिनल्स के सेट में हम यहाँ पर इसकी एंट्री करते, देन यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए एरो एल्फा थ्री वाले प्रोडक्शंस की एंट्री हम करते फर्स्ट ऑफ एल्फा थ्री एक्सेप्ट लेमडा यूनियन फॉलो ऑफ ए, फॉलो ऑफ ए वाले सेट में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इस तरीके से एंट्री करते हैं बिकॉज लेमडा बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ एल्फा टू है, लेमडा बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ एल्फा थ्री है, तो इस तरीके से हम वहाँ पर इसकी एंट्री इन सेट में करते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर ये चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका 100% ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पर आपका 100% ओवरलैपिंग होने जा रही है, क्योंकि देखिए इसमें भी फॉलो ऑफ ए है, इसमें भी आपका फॉलो ऑफ ए है, तो यहाँ पर फिर अब 100% ओवरलैपिंग होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये ग्रामर कभी भी एल एल वन नहीं होगी, ठीक है ना। तो अगर ये आप इस टाइप का कोई केस देखते हैं तो वहाँ पर आप देख कर ही बता सकते हैं कि ये आपका कभी भी एल एल वन नहीं होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए ओवरलैपिंग आ जाएगी, यहाँ पर आपका ओवरलैपिंग आ जाएगी। एक एग्जांपल इसके लिए क्रिएट करते हैं, इस टाइप का एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। मान लीजिए आपका ये होता वेरिएबल डी ई एफ जे, ये मान लीजिए आपका होता, एंड बी एरो मान लीजिए स्मॉल बी यहाँ पर होता, एंड सी एरो स्मॉल सी मान लीजिए यहाँ पर होता, एंड डी एरो स्मॉल डी स्लैश लेमडा यहाँ पर होता, और ई एरो स्मॉल ई स्लैश लेमडा यहाँ पर होता, और एफ एरो स्मॉल एफ स्लैश लेमडा एंड जी एरो स्मॉल जी स्लैश लेमडा होता। यहाँ पर स्टार्टिंग वेरिएबल है आपका ए, तो देखिए इसके लिए हम चेक करते हैं, यहाँ पर इसके लिए चेक करते हैं। तो ए एरो बी सी, ए एरो बी सी वाला प्रोडक्शन आपका कहाँ पर जाएगा, तो ए एरो बी सी वाला प्रोडक्शन आपका जाएगा फर्स्ट ऑफ दिस, तो फर्स्ट ऑफ दिस क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ दिस हो जाएगा आपका बी, यानी ये प्रोडक्शन जाएगा केवल बी पर, ये प्रोडक्शन जाएगा आपका केवल बी पर। लेमडा डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट ऑफ एल्फा वन, यानी फर्स्ट ऑफ एल्फा वन में आपका ये जाता। सेकेंड प्रोडक्शन को देखिए, ए एरो डी ई को देखिए, ए एरो डी ई को देखिए, तो ये आपका जाता फर्स्ट ऑफ डी, फर्स्ट ऑफ डी क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट ऑफ डी में देखिए स्मॉल डी आ गया है, स्मॉल डी आ गया है, और जब आप लेमडा को यहाँ पर पुट कर देंगे तो फर्स्ट ऑफ ई भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो
आपका यहाँ पर स्मॉल ई भी आ जाएगा, और अगर आप यहाँ पर लेमडा पुट कर देंगे तो फिर आपको इसमें लेमडा भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसके फर्स्ट में आपको ये लेमडा भी मिल गया है। अब चूंकि आपको यहाँ पर लेमडा मिल गया है तो एक्सेप्ट लेमडा हम लेते हैं, तो लेमडा को रिमूव करके हम यहाँ पर फॉलो ऑफ ए को कैलकुलेट करेंगे, फॉलो ऑफ ए को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। अब चूंकि फॉलो ऑफ ए क्या है, फॉलो ऑफ ए जो है वो आपका स्टार्टिंग सिंबल है, तो ये आपका यहाँ पर डॉलर आ जाएगा। तो ये फॉलो ऑफ ए की वजह से आपका ये डॉलर आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रोडक्शन देखते हैं ए एरो एफ जी को। तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ एफ जी कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ एफ जी में देखिए स्मॉल एफ आ जाएगा, और जब आप यहाँ पर लेमडा पुट कर देंगे तो फर्स्ट ऑफ जी भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ पर स्मॉल जी भी आ जाएगा, और जब जी की जगह पर भी आप लेमडा पुट करेंगे तो ए एरो लेमडा मिल जाएगा, यानी इसके फर्स्ट में आपको लेमडा भी मिल जाएगा। तो एक्सेप्ट लेमडा यानी लेमडा को हम हटा देंगे और फॉलो ऑफ ए को लेंगे, ए स्टार्टिंग सिंबल है तो यहाँ पर आपका डॉलर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इस फॉलो की वजह से आपका डॉलर डॉलर आ गया है, यानी उस डॉलर पर आपके ये दो प्रोडक्शंस आ जाएंगे, ठीक है ना। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका ये जो डॉलर पर आपका क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर हमने जी भी ले लिया है, तो जी के लिए भी कॉलम्स क्रिएट कर लेते हैं। तो डॉलर डॉलर पर देखिए आपका यहाँ पर मोर देन वन एंट्रीज आ जाएंगी, यानी ए एरो डी ई भी यहाँ पर आ जाएगा और ए एरो एफ जी भी यहाँ पर आ जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये सिचुएशन है तो आप इसको देखकर ही बता सकते हैं कि वो ग्रामर आपका एल एल वन नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको श्योरली यहाँ पर 100% मल्टीपल एंट्रीज मिलने वाली है ड्यू टू दिस फॉलो ऑफ ए। इस तरीके से आप डायरेक्टली चेक करके बता सकते हैं कि आपके ग्रामर एल एल वन होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। इसका मतलब आप केवल उन्हीं प्रोडक्शंस को चेक करेंगे जो कि सिंगल वेरिएबल पर मोर देन वन टाइम होंगे, ठीक है ना। अगर आपकी ग्रामर है, आपकी ग्रामर मान लीजिए एक वेरिएबल पर एक ही प्रोडक्शन है, तो वो कभी भी आपका मल्टीपल एंट्रीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मल्टीपल एंट्रीज में आपका पार्टिसिपेट करेगा वो प्रोडक्शन जो सेम वेरिएबल पर मोर देन वन होंगे, जैसे कि सेम वेरिएबल ए पर एल्फा वन, ए एरो एल्फा टू, ए एरो एल्फा थ्री, तो वो आपका मल्टीपल एंट्रीज में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हो सकता है कि वो आपका मल्टीपल एंट्रीज वहाँ पर क्रिएट कर दे, लेकिन अगर आपकी ग्रामर में आपके लेकिन मान लीजिए आपकी ग्रामर में एक सिंगल प्रोडक्शन है, एक वेरिएबल पर एक ही प्रोडक्शन है, तो फिर उस प्रोडक्शन को हम वहाँ पर चेक नहीं करेंगे, क्योंकि वो कभी भी आपको मल्टीपल एंट्रीज क्रिएट नहीं करेगा। मल्टीपल एंट्रीज क्रिएट हो सकती है अगर एक ही वेरिएबल पर मोर देन वन प्रोडक्शंस होंगे, फॉर एग्जाम्पल ए एरो एल्फा वन, ए एरो एल्फा टू, तब वहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज हो सकती है, और वो आप इस तरीके से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं।